जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल विजयपुर। डिजिटल लर्निंग में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। पार्ट 5, जिसकी मेहनत उसकी जीत। हु वर्क्स हार्ड इट इज हिज विक्ट्री। जो मेहनत करता है उसी को ही जीत मिलती है। बच्चों, इस पाठ के द्वारा छात्र मेहनत, अनुशासन तथा आत्मविश्वास जैसे मूल्यों को सीख सकते हैं। मेहनत मीन्स हार्ड वर्क, अनुशासन डिसिप्लिन, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चों, ये जो आपकी मेहनत, अनुशासन तथा आत्मविश्वास है, वही पूरे आप चीटी पे भी देख सकते हैं। चीटी मीन्स एंट। बच्चों, आपने सभी ने अपने घरों में चीटी को देखा है और आप देख सकते हो कि चीटी जो है अपना काम जो है कैसे मेहनत से करती है और अपने जो खाने को है अपने बिल तक कैसे जो है लेकर जाती है। उसको 2 से 4 दिन भी लग जाए पर वो मेहनत करती रहती है, रुकती नहीं है। इसका इतना अच्छा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, आखिरी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी हमें एकता और बलिदान का सबक सिखाते हैं। ऊंचाई से गिरकर फिर ऊपर चढ़ना, यही इसकी खासियत है। तभी तो नन्ही सी जान होने के बावजूद इंसान किसी की हिम्मत बढ़ाने के लिए सबसे पहले चींटी का ही उदाहरण देता है। चींटी विशेष रूप से चीनी, शहद और मिठाई की शौकीन होती हैं। यह चीनी मीन्स बच्चों शुगर, शहद मीन्स हनी, मिठाई मीन्स स्वीट। यह गंध से अपना खाना पता लगा सकती हैं। यह चींटी अपने भार से 50 गुना अधिक भार उठा सकती है। चींटी हमेशा लाइन से ही चलती हैं क्योंकि चींटियां तरल पदार्थ छोड़ती हैं जिससे पिछली वाली चींटी उसके पीछे ही रहती हैं। चींटी आमतौर पर काले और लाल रंग की होती है। चींटी कभी क्विट नहीं करती। चींटी टीम की तरह वर्क करती है। चींटी कभी आराम नहीं करती। तो आप कोई काम अनुशासन के साथ करोगे तो आप आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। इस बात को हम इस पाठ को एक चींटी की कहानी के द्वारा सीखेंगे। जब आप कोई काम अनुशासन के साथ करोगे तो आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। इस पाठ को भी हम चींटी की कहानी के द्वारा सीखेंगे। एक चींटी चने की दाल के टुकड़े के आसपास गोल गोल घूम रही थी। टिल्लू ने पूछा, चींटी रानी यह क्या कर रही हो? बच्चों, जो चने की दाल मीन्स ग्राम दाल, चींटी एंट। बच्चों, आपके सभी के घरों में चींटी आपने देखी है और आपने देखा है कि चींटी जो है कैसे जो है
मेहनत करती रहती है, जो अनुशासन के साथ अपना काम करती रहती है। वह कभी हारती नहीं है, कभी रुकती नहीं है, वह अपना काम लगातार करती रहती है। तो देखा है आपने, कितना 2 से 3 दिन भी चले जाएं पर वो कभी भी रुकती नहीं है। तो ऐसे ही जब दाल का दाना जो था, चने की दाल का जो दाना था, वो जो टुकड़े के आसपास जो क्या कर रही थी, वो घूम रही थी। क्यों घूम रही थी? वो उसको ले जाना चाहती थी। तो उसमें किसने पूछा? आपके जैसे एक उत्साहित लड़के ने, जिसका नाम था टिल्लू। उसने क्या पूछा कि चींटी रानी, यह क्या कर रही हो? तो चींटी ने क्या, चींटी को जब बोला उसने, ये क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग? मैं इस दाल को अपने बिल तक ले जाना चाहती हूँ, कहकर चींटी नाचने लगी। मैं तुम्हारे बिल तक पहुँचा दूँ? टिल्लू ने हमदर्दी से पूछा। चींटी बोली, नहीं, मैं इसे खुद लेके जाऊंगी। बच्चों, चींटी ने कहा कि इस दाल को मैं अपने बिल तक, मतलब अपने घर तक खुद लेके जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो नाचने लगी। क्यों ऐसा उसको कि दिखा रही थी? उस क्योंकि फिर दोबारा टिल्लू ने प्रश्न किया उससे कि मैं इसे पहुंचा दूं तुम्हारे बिल तक। टिल्लू ने उस बार क्या दिखाई उसको? संपत्ति दिखाई। संपत्ति से उससे पूछा। चींटी क्या बोली? नहीं, मैं इसे खुद लेके जाऊंगी, क्योंकि चींटी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था बच्चों। तो इसीलिए उसने कहा ना कि मैं अपना खाना अपने बिल तक खुद लेके जाऊंगी। अगर तुम इसे ना ले जा सकी तो क्या करोगी? टिल्लू ने धीरे से पूछा। विश्वास के साथ चींटी ने कहा, कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं। बच्चों, अगर आपको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं इसमें हार नहीं मानूंगी, इसी तरह आपने परिश्रम की वजह से चींटी को भी कॉन्फिडेंस था कि मैं काम ये खुद कर सकती हूँ। जैसे आप परीक्षा के लिए पढ़कर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जैसे ही आप सभी को प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर कॉन्फिडेंस के साथ लिख देते हैं कि नहीं लिख देते बच्चों? तो उसी तरह चींटी को भी अपने परिश्रम का कॉन्फिडेंस था, इसलिए तो वो टिल्लू से मदद नहीं लेना चाहती थी, और इसीलिए उसने टिल्लू को मना कर दिया कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं कोशिश करती रहूंगी। तुम इतनी मेहनत करोगी? टिल्लू ने फिर पूछा। इस बार चींटी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मेहनत से काम करना बहुत अच्छी बात है, चलो अब तुम मुझे काम करने दो। टिल्लू वहाँ से चुपचाप हट गया। टिल्लू ने क्या पूछा आप उससे? तुम इतनी मेहनत करोगी, तुम इतना हार्ड वर्क करोगी? क्योंकि चींटी को अपने परिश्रम पर क्या था, पूरा विश्वास था, इसलिए उसने गुस्से से टिल्लू को जवाब दिया। चने की दाल को चींटी ने बार बार कोशिश करके
अपने बिल तक लेकर गई। उसने कोशिश जारी रखी, इसलिए उसे सफलता मिली। तो बच्चों देखो, उसने जो है अपने वर्क को नहीं छोड़ा। टिल्लू कितना भी उसको बोलता रहा, पर वो अपना परिश्रम जो है करती रही, क्योंकि उसको अपने ऊपर क्या था, कॉन्फिडेंस था उसको अपने ऊपर। थोड़ी देर बाद टिल्लू वहाँ आ गया। उसने देखा कि दाल अपनी जगह पर नहीं थी। बच्चों जब टिल्लू जो है जब दोबारा से आता है तो वो क्या देखता है कि दाल अपनी जगह पर नहीं है। क्योंकि दाल क्यों नहीं थी अपनी जगह में, क्योंकि चींटी जो है निरंतर जो है लगातार जो है अपना काम करती जा रही थी। उसने क्या सोचा कि दाल का दाना तो वहीं होगा, पर ऐसा नहीं था। दाल जो है चींटी अपने हार्ड वर्क से अपने डिसिप्लिन से जो है अपना काम करती जा रही थी। कुछ दूरी पर चींटियां कतार में एक के पीछे एक चने की दाल को घसीटते ले जा रही थी। तब टिल्लू को लगा हमें सहयोग और अनुशासन भी सीखना चाहिए। बच्चों बाकी की चींटियों को भी दाल के दाने को ले जाता देखकर, एक लाइन में देखकर टिल्लू समझ गया, उसको समझ आ गया कि सहयोग और अनुशासन से भी जो है हमें सीखना ज़रूरी है, कि हम कोशिश करते रहना चाहिए और हर काम में सफलता मिलती है। तो बच्चों आपको समझ आया कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें अपनी पढ़ाई को अनुशासन कोशिश के साथ काम एक चींटी के द्वारा जान सकते हैं। जो चींटी ने समझाया हम सभी को बार बार कोशिश करके अच्छे अंक पा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से बल्कि अभी से ही आप अपनी पढ़ाई को सहयोग, मेहनत, अनुशासन और आत्मनिर्भरता के साथ करेंगे तो आप भी ज़िंदगी के हर मंच पर कामयाबी पाओगे। जिस तरह बच्चों आप परीक्षा के समय परिश्रम से पढ़ोगे तो अच्छे अंक पाने से आपकी ही जीत होती है। तो इस पाठ का क्या आंसर है? जिसकी मेहनत उसकी जीत, जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा। तो आया बच्चों समझ में कि चींटी ने किस प्रकार हमें अनुशासन का, आत्मनिर्भरता का पाठ सिखाया है? स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू चिल्ड्रन।